हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बिना ईस्ट, बिना मीठा सोडा, बिना ओवन केवल 10 मिनट में ये मिनी पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो चलिए इस पिज़्ज़ा की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम लेंगे 1/4 कप दही, 1/4 कप हल्का गर्म दूध। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून शुगर पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो, 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से पिज़्ज़ा बेस का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसके बिना भी पिज़्ज़ा बेस बना सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल की जगह पर आप इसमें कोई भी वेजिटेबल ऑयल डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून इनो। अब हम सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे ही हम सभी को मिक्स करेंगे तो इनो के कारण ये फूल जाएगा, तो हमें इसे ज़्यादा देर तक मिक्स नहीं करना है। तुरंत इसमें 1 कप मैदा डालेंगे और सभी को मिक्स करते हुए इसका आटा लगा लेंगे। और आटा हमें बिल्कुल सॉफ्ट लगाना है। तो आटा अभी चिपक रहा है, तो अब हम इसमें 1 टीस्पून ऑयल और डालेंगे और 1 मिनट आटे को और गूँथ लेंगे। हमें आटे को ज़्यादा देर मसलते हुए नहीं गूँथना है और ना ही आटे को हमें रेस्ट के लिए रखना है। तो अब हम आटे को 2 भागों में डिवाइड करेंगे और 2 लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम चकले पर थोड़ा सा मक्के का आटा डालेंगे। मक्के का आटा आपके पास नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा भी डालकर इसे बेल सकते हैं। और अब हम इसे बेलेंगे। हमें इसे ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला रखते हुए नहीं बेलना है, क्योंकि ये बेक करने के बाद फूलकर डबल हो जाएगा। अब हम इसमें होल कर देंगे ताकि बेक करते समय ये फूलेगा नहीं। अब हम मिनी पिज़्ज़ा बनाएंगे, तो कोई भी छोटे साइज़ का ढक्कन या इस टाइप की प्लेट या कटोरी की मदद से इसे काट लेंगे। साइड के आटे को अभी हम अलग रखेंगे। तो पिज़्ज़ा बेस बनकर तैयार है। तो इसी प्रकार से अब हम दूसरा पिज़्ज़ा बेस बनाएंगे। सेम इसी आटे से आप चाहें तो 4 छोटे साइज़ के पिज़्ज़ा बेस भी बना सकते हैं। दोनों पिज़्ज़ा बेस बनाने के बाद साइड से जो आटा बचा है उससे हम 1 पिज़्ज़ा बेस और बना लेंगे। तीनों पिज़्ज़ा बेस हमने बना लिए हैं। अब हम इसे बेक करेंगे। तवे को हमने गर्म कर लिया है, गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे और 2 मिनट पिज़्ज़ा बेस को ढककर पकने देंगे। 2 मिनट बाद अब हम इसे पलटेंगे और दूसरी साइड से भी इसे 2 से 3 मिनट तक ढककर पकने देंगे। एक साइड से हम इसे थोड़ा ज़्यादा पकाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा और बहुत ही आसान 5 मिनट में पिज़्ज़ा बेस बनकर तैयार है। इसी तरह से बाकी के 2 पिज़्ज़ा बेस को भी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तीनों पिज़्ज़ा बेस बनकर तैयार है। अब हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। सबसे पहले पिज़्ज़ा बेस पर पिज़्ज़ा सॉस या केचप, दोनों में से जो भी आपके पास हो उसे अप्लाई करेंगे। अब हम इसके ऊपर मेयोनीज़ अप्लाई करेंगे, इसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे। अब हम इस पर अपनी पसंद के अनुसार सब्जियां डालेंगे। थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ी सी शिमला मिर्च डालेंगे। अब हम इसमें थोड़े से स्वीट कॉर्न डालेंगे। सब्जियां आप अपने पसंद की कोई भी इस पर डाल सकते हैं। ऊपर से चीज़ ग्रेट करेंगे। चीज़ की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डालेंगे। लास्ट में ऊपर से ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और पिज़्ज़ा सीजनिंग स्प्रिंकल करेंगे। और अब हम पिज़्ज़ा को बेक करेंगे। गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे और इसे ढककर 3 से 4 मिनट तक बेक होने देंगे। तो 3 से 4 मिनट बाद पिज़्ज़ा को चेक करेंगे। तो 3 से 4 मिनट में पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छे से बेक हो गया है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी प्रकार से बाकी के पिज़्ज़ा को भी बेक कर लेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी ये पिज़्ज़ा बनकर तैयार होता है। इस पिज़्ज़ा की रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।